वहीं सुभाषपा के विधायक बेदीराम का चुनाव के समय दिया गया शपथ पत्र सामने आया है। शपथ पत्र में उनके दस्तखत भी हैं और पत्र में साफ लिखा है कि उनके खिलाफ एक या दो नहीं बल्कि पेपर लीक की 9 FIR पंजीकृत हैं। बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी के कई थानों में विधायक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था, वो जेल भी गए थे। तो आपको बता दें कि सुभाषपा के विधायक बेदीराम का चुनाव के वक्त दिया गया शपथ पत्र सामने आया है। शपथ पत्र में उनके दस्तखत भी नजर आ रहे हैं। पत्र में साफ लिखा है कि उनके खिलाफ एक या दो नहीं बल्कि पेपर लीक की 9 FIR पंजीकृत हैं। बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी के कई थानों में विधायक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था और वो जेल भी गए थे। तो विधायक बेदीराम की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बेदीराम का शपथ पत्र सामने आया है। शपथ पत्र में पेपर लीक के 9 मुकदमे दर्ज हैं और बेदीराम का शपथ पत्र जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता लखनऊ से राजन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन, क्या कुछ बड़ी जानकारी, क्योंकि विधायक बेदीराम की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि योगी आदित्यनाथ ने इसी मामले को लेकर ओपी राजभर को भी तलब किया है, क्या कुछ बड़ी जानकारी आपके पास? सर, से चुनाव के समय ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर विपक्ष अब हावी होने वाला है। विपक्ष जो है अब भाजपा को इस पूरे मामले पर घेरने वाला है। उससे पहले जो है सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रहा है कि ओपी राजभर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने तलब कर लिया है। यानी कि कुल देखा जाए तो यानी कि ओपी राजभर को इस पूरे प्रकरण का जानकारी था और उसके बाद भी कहीं ना कहीं पार्टी में शामिल करने की जिस तरह से बात सामने आई और अब जो है विपक्ष जो है कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है भाजपा पर कि पेपर लीक के इतने बड़े बड़े मामले हो रहे हैं और पेपर लीक के जैसे कई मामलों में ये रहे हैं बेदीराम और इनको रखा गया है, पार्टी में सम्मिलित किया गया, इनको मौका दिया गया। तो इस तरह से चीजों को लेकर जिस तरह से शामिल हुआ और इसके बाद से अब चीजें जो है उस चीज वायरल हो रहा है, तो जो है योगी आदित्यनाथ जो है इनको राजभर, ओपी राजभर को तलब किए हैं। और भी कई मामले हैं जिसको भी लेकर आज जो है उनसे सवाल जवाब होंगे कि किस तरह से ये क्या है। आपने देखा होगा कई बार जो है ओपी राजभर अपने बयानों को लेकर भी जो है विवादित बयान भी कभी कभी दे देते हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि अपने संगठन को लोगों को जो है निर्देश करने के लिए बड़बोलेपन के जो है कई बार उनके शब्द जो है इस तरह से निकल के आ जाते हैं जो कि वायरल हो जाता है। अभी पिछली बार जो है पिछली बार देखा गया कि एक गमछे को लेकर उन्होंने बड़बोलेपन जो है जिस तरह से किया, उसके बाद से खूब वो वीडियो वायरल हुआ। अब दूसरी तस्वीर भी इनकी सामने आ रही है कि भर्ती को लेकर कि आप पहले आप एडमिट कार्ड आएगा, पहले भर्ती के लिए जो है आप रजिस्ट्रेशन कराइए, इसके बाद से एडमिट कार्ड आएगा तो हम कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा देंगे। तो ये तमाम चीजें उनके लिए बहुत अब मुश्किल खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ की सख्त जो निर्देश होते हैं वो कहीं ना कहीं अब इन पर जो है गाज गिरने की जो है एक संभावना दिख रहा है कि एक तो इनके जो है बयान और दूसरी एक तरह से जो है इनके सुहेलदेव पार्टी के इनके विधायक जो कि सम्मिलित रहे हैं कई पेपर लीक मामले में और जेल भी गए हैं, इन सब तमाम चीजों को लेकर अब तलब किया गया है इनको। अब योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या इनको बोला जाता है, पनिशमेंट मिलता है या गाज गिरता है, ये देखने वाली बात हो। बिल्कुल राजन, देखिए सवाल ये भी उठता है कि मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जब से वो वीडियो वायरल हो रहा है बेदीराम का शपथ पत्र में पेपर लीक के एक नहीं दो नहीं बल्कि 9 मुकदमे दर्ज हैं और ये भी जिक्र है कि कहीं ना कहीं जेल भी जा चुके हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं अब ओपी राजभर से सवाल पूछने की तैयारी में योगी आदित्यनाथ है, सूत्र वाले से जानकारी मिल रही है। सुभाषपा की तरफ से पूरे मामले को लेकर क्या कोई अभी तक प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए अभी तो फिलहाल जो है अब इंतजार हो रहा है कि किस तरह से योगी जी अब इन पे जो है क्या सवाल जवाब रखते हैं, क्या इन पे क्या कोई गाज गिर सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि राजभर को ये सब चीजें मालूम था और उसके मालूम होने के बाद भी पार्टी में सम्मिलित करने की बात कर रहे थे और उनको मौका भी दिया गया। तो इस तरह से जब चीजें अब सामने आई है तो विपक्ष जम के घेर रहा है, सवाल उठा रहा है
अब इन सवालों के घेरे में योगी भी शामिल हो रहे हैं, भाजपा का पूरा जो एक भाजपा का जो इज्जत का जो सवाल है, भाजपा के तमाम जो जिस तरह से घेरा जा रहा है, विपक्ष लगातार चढ़ाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए अब योगी जी जो है इनको तलब किए हैं और क्या निर्देश अब देते हैं इस पर ये देखने वाली बात है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए राजन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से, ओपी राजभर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। राजभर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने तलब किया है। विधायक वेदीराम मामले में मौन है ओपी राजभर और उम्मीद जताई जा रही है कि अब जल्द ही इस मामले में कोई बड़ी बात या बड़ी प्रतिक्रिया सामने आ सकती है।